कसूरवार जिम्मेदार केसीआर रहेगा, महमूद अली रहेगा। याद रखो ये मासूम की हाय जो निकले है वो बराबर केसीआर तक पहुंचेगी, महमूद अली तक पहुंचेगी। आज रविंदर के दो बच्चे, अल्लाह ना करे कहीं कुछ हो गया रविंदर तो कौन जिम्मेदारी लेगा। केसीआर साहब आओ नींद में से जागो, उठो उठो। महमूद अली साहब आपका तो घर यहीं आजमपुरे में 2-4 किलोमीटर पे, आओ आके पेशेंट की हालत देखो, डॉक्टर से बात करो, पता करो कि डॉक्टर क्या बोल रहा पेशेंट के बारे में। अगर से बराबर इलाज दे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, इलाज करो, उसको बचाओ, उसकी जान आज खतरे में है। केसीआर की हुकूमत खामोश कैसे बैठ सकती है? और अगर केसीआर की हुकूमत अगर हरकत में रहेंगे तो हमारा कुछ जो करना है हम करेंगे, हम मगर हम इन रविंदर को हम इंसाफ दिला के छोड़ेंगे, क्योंकि मासूम उनकी वाइफ परेशान है, उनके बच्चे आज परेशान है, ये केसीआर की वजह से, ये केसीआर की जुल्म सितम कैसे। और फिर से मैं कह रहा हूं अल्लाह ना करे अगर से कुछ होएगा रविंदर को तो उसका जिम्मेदार केसीआर और महमूद अली रहने वाला है। पड़ रहा है कि तेलंगाना का वजीर आला केसीआर की अजियत का सिलसिला चलते जा रहा, चलते जा रहा, ये फलसफा आगे बढ़ रहा, रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। आज 5 सितंबर दोपहर की 2 बजे रविंदर नाम का एक होमगार्ड जिसकी ड्यूटी चंद्रान गुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में थी, उसको गोशा महल होमगार्ड हेड ऑफिस से कॉल आता है। और जब रविंदर मिलने वहां पर जाता है हेड ऑफिस को, मुतालिबा करते हुए कि 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, ना उसको भद्रता कार्ड मिला, ना उसको बस पास मिला, जितने सहूलता लेना है टीआरएस बीआरएस की हुकूमत ये पूरे होमगार्डों से ले रही। 2006 से रविंदर होमगार्ड है आउटसोर्सिंग पे, अभी तक परमानेंट नहीं हुआ, ये उसकी शिकायत थी। ये शिकायत लेकर जब हेडक्वार्टर्स को पहुंचा तो उसके बाद रविंदर और उसके आला अफसरों के बीच में क्या हुआ कि एक खबर आई कि पेट्रोल अपने आंख पे छिड़क कर रविंदर आग लगा लिया। और आज रविंदर उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक है, जेरे इलाज है। अभी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर का कहना है कि 67% बर्न है और पेशेंट सीरियस है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार केसीआर, इसका जिम्मेदार महमूद अली। केसीआर की दौरे हुकूमत में हर वक्त जुल्म सितम, चाहे वो नौजवानों को रहने दो, चाहे वो किसानों को रहने दो, चाहे वो होमगार्डों को रहने दो, चाहे वो आम इंसान, हर कोई तकलीफ में। अब तक ये हादसा होकर करीब 6 से 8 घंटे हो गए, ना महमूद अली यहां पर आए, ना केसीआर की जानिब से कोई यहां पर आए, ना कोई एक बयान आया। ये होमगार्ड किसका था? सरकारी महकमे का एक मुलाजिम था, ये हमारी हिफाजत के लिए ठहरते ये पुलिस वाले वर्दी पहन के। और आज जब उन्हें जेरे इलाज चल रहा और मजिस्ट्रेट का अब भी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुका, अब मरीज की हालत अब तक पे, अब तक कोई सरकारी मुलाजिम और केसीआर की जानिब से कोई यहां पर नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से पूछना चाह रहा हूं कि आपके महकमे का एक होमगार्ड आज यहां पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं मुतालिबा करता हूं महमूद अली से, मैं मुतालिबा करता हूं केसीआर से कि जल्द से जल्द फैसला लीजिए और पेशेंट को ये उस्मानिया अस्पताल से लेके एक प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराइए, बेहतर से बेहतर इलाज कराइए। आखिर ये तशद्दुद का शिकार ये बना क्यों? क्योंकि उसकी तनख्वाह रोक दी गई। केसीआर की हुकूमत हर वक्त हर वो उसके महकमे के सरकारी महकमे के मुलाजिम के साथ अजियत कर रही है, जुल्म सितम कर रही है। आप देखिए आज मेरे बाजू रविंदर जो अब जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उनके एहलिया उनके वाइफ है, आपका क्या कहना? अब उनसे सुनिए आप। अम्मा बोलो, अम्मा बोलिए। उसको अच्छा बेटर ट्रीटमेंट दे बोल के बोल रहे, अभी कुछ भी नहीं बोल रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहे क्या बोलने बोल के। मेरा हस्बैंड अभी वेंटिलेशन में है, कौन भी नहीं आ रहे गवर्नमेंट वाला। कितने साल से जॉब पे अम्मा आपका? 17 years। अभी तक कोई पुलिस के बड़ा डिपार्टमेंट है कोई ऑफिसर नहीं आया था? 2 ऑफिसर आके गए, कौन भी मेरे को मालूम नहीं होता। मैडम आपके हस्बैंड को कॉल आया या वहाँ पर ड्यूटी थी? एक्चुअली ड्यूटी नहीं, वो हम लोग मालूम नहीं है क्या हो गया या उस्माने को आने के बाद हम लोगों को फोन कर रहे हैं। मेरे को उस्मानिया आने के बाद उसके फोन से मेरे को फोन आ रहे,
फोन आके तो जल्दी आओ, तुम्हारा हस्बैंड उस्मानिया में है। आपके हस्बैंड को कोई फोन करके बुलाए बोल के मालूम हुआ? नहीं, आज वो ड्यूटी पे थे। नहीं नहीं, ड्यूटी में नहीं, ऑफ में थे। आपसे बात हुई थी उनकी? हाँ, 220 को मेरे से बात करे। मैं ओमगढ़ ऑफिस को गए। कई को गए? अभी पिंच वो नया रहे ना साली, तनख्वाह नहीं आ रही। साली नया रहे, मगर बैंक अकाउंट का भी अच्छा सेटल करना, बात करने को जा रहे। तो उनको ऑफिसर क्या बोला? ऑफिसर कुछ कुछ बोला बोल के मेरे को मैं मीटिंग में साउंड में मेरे को अच्छा नहीं सुन में आए। उन्होंने चिल्ला रहे, मैं भी चिल्लाए, ऐसा बोले मेरे को, बस फोन कट कर दिया। आधा घंटे के बाद में इधर से फोन आए मेरे को, उसका फोन से आए। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? उस्मानिया को लेके आए, जल्दी आ जाओ। उन्होंने क्या बोलते, पेट्रोल डाल कर हमारा मर्द नहीं डालते भैया। वो बात कर सक रहे हो? अभी वेंटिलेटर में है। ऐसा कर सकते? नो नो, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रांग आदमी है उन्हों, दस देने को बोलते मगर ऐसा नहीं करते। उनको कुछ करे, यहाँ पर आगे कुछ, यहाँ पर आगे मजिस्ट्रेट साहब अभी बयान लेके गए, उनसे कुछ बात हुआ आपका? मेरे से कुछ भी बात नहीं करे, अंदर गए उनसे बात करे, कुछ लिखाए गए। ऐसा पहले कभी उन्होंने सुनाते थे घर में ऐसा कुछ ड्यूटी पे प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ? हाँ रे भैया, अभी से नहीं, बहुत साल से ड्यूटी नौकरी में टेंशन हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा। किसी का प्रेशर था क्या? अच्छा प्रेजर है वो, इपड़ मूडेल कदा 3 इयर्स पहले भी उनको हेडक्वार्टर में, बहुत दिन हेडक्वार्टर में लगा ड्यूटी करे उन्हों, ऐसा सफर ही रहता उनका ड्यूटी में, कभी भी सफर ही रहता। मगर उसका साली में हम लोग इतना जना रहना, मेरे को 2 बच्चा, उसका मम्मी डैडी, उन्होंने ऐसा हो गया, मैं क्या करना मेरे को मालूम नहीं हो रहा भैया। मगर उसका पहला अच्छा ट्रीटमेंट, मेरा हस्बैंड मेरे को होना, पहला मेरे को यही होना, मेरा हस्बैंड मेरे को होना। दूसरा कुछ डिमांड है मैं बोलते, पहला मेरा हस्बैंड मेरे को होना, उसका अच्छा ट्रीटमेंट होना। उन काम कौन को करे भैया, आप पूरा जना को करे ना काम। अभी उसको इधर डाल दिया, कौन भी नहीं आए दुनिया के करे ना ड्यूटी। प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना प्राइवेट, मगर गवर्नमेंट में नहीं बोल रहे, मगर अच्छा ट्रीटमेंट मेरा उन मेरे को होना। मीडिया के जरिए से ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे मैं मीडिया का तो इसका कसूरवार जिम्मेदार केसिया रहेगा, महमूद अली रहेगा। याद रखो ये मासूम की हाय जो निकले है वो बराबर केसिया तक पहुंचेगी, महमूद अली तक पहुंचेगी। आज रविंदर के 2 बच्चे, अल्लाह ना करे कहीं कुछ हो गया रविंदर तो कौन जिम्मेदारी लेगा? केसिया साहब आओ, नींद में से जागो, उठो उठो। महमूद अली साहब आपका तो घर यही आजमपुरे में 2-4 किलोमीटर पे, आओ आके पेशेंट की हालत देखो, डॉक्टर से बात करो, पता करो कि डॉक्टर क्या बोल रहा पेशेंट के बारे में। अगर से बराबर इलाज दे रहा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, इलाज करो, उसको बचाओ, उसकी जान आज खतरे में है। केसीआर की हुकूमत खामोश कैसा बैठ सकती है? और अगर केसीआर की हुकूमत अगर जब हरकत में रहेंगे तो हमारे जो करना है हम करेंगे, हम अगर हमारे रविंदर को हम इंसाफ दिला के छोड़ेंगे, क्योंकि मासूम उनकी वाइफ परेशान है, उनके बच्चे आज परेशान है ये केसीआर की वजह से, ये केसीआर की जुल्म सितम कैसे। और फिर से मैं कह रहा हूं, अल्लाह ना करे अगर से कुछ होएगा रविंदर को तो उसका जिम्मेदार केसीआर और महमूद अली रहने वाला है।